नमस्कार दोस्तों, आपने मेरे पिछली सीरीज को बहुत अप्रिशिएट किया है, हिंदी फिल्मों के 60 साल और फिल्में कुछ हटके। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आज मैं एक नए एपिसोड को लेकर आ रहा हूं। आज तक के पिछले 60 साल की बॉलीवुड फिल्म्स में टॉप 7 फिल्म्स मेरी नजर में, इसके दो एपिसोड हैं। पहले एपिसोड में 1960 से लेकर 1989 तक की 30 सालों की टॉप 7 फिल्म्स मेरी नजर में, और दूसरे एपिसोड में 1990 से लेकर 2019 तक यानी अगले 30 साल की 7 बेहतरीन फिल्में मेरी नजर में। आप लोगों को देखिए, मेरी राय से आप कितना इत्तेफाक करते हैं और कितना नहीं, मुझे लिखिए। आपकी नजर में कौन सी फिल्में उसमें इंक्लूड करनी चाहिए और कौन सी फिल्में नहीं लेनी चाहिए, यह भी मुझे जरूर लिखिए। तो आज हम अपना ये नया एपिसोड शुरू करते हैं, बॉलीवुड फिल्म्स की टॉप 7 फिल्म्स, ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स, पार्ट 1, 1960 to 1989। ये एक शानदार दौर था, इसमें कई बेहतरीन फिल्में आईं। मुगले आजम, बंदनी, साहेब बेबी गुलाम, उपकार, कभी कभी और ना जाने कितनी शानदार फिल्म। और उसमें 7 फिल्में चुनना बहुत मुश्किल काम था। मैंने इस 7 फिल्मों को चुनने का एक क्राइटेरिया रखा। इसमें डायरेक्टर का क्या रोल था, इसमें एक्टिंग कैसी थी, इसमें म्यूजिक कैसी है, और इसका कंसेप्ट यानी इसका कंटेंट क्या है, और इन सबसे ऊपर उसमें एक्स फैक्टर क्या था जो जनता के मन में भाग गया। इन फैक्टर्स के आधार पर मैंने टॉप 7 फिल्म चुनी है 1960 से लेकर 1989 तक की। तो आइए बात करते हैं टॉप 7 फिल्म्स की। 30 साल के इस फेज में जिसमें सैकड़ों फिल्में आई, जिसे मैंने 7वें नंबर पर रखा है, वो एक शानदार फिल्म थी। वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था राज कपूर का। वो फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो अपने दौर में नहीं चली, लेकिन आज भी उस फिल्म को देखो तो मजा आ जाता है। और वो फिल्म थी मेरा नाम जोकर। जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, ये मेरा गीत। जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा जग को। 18 दिसंबर 1970 को रिलीज ये फिल्म राज कपूर की डायरेक्शन में थी। मल्टीकास्ट फिल्म थी, दो इंटरवल थे। मेरा नाम जोकर शानदार गीत थे। इस फिल्म में मन्ना डे को ए भाई जरा देख के चलो के लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला राज कपूर को, और इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी को भी बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया था। एक बेहतरीन फिल्म थी, समय से बहुत आगे, बहुत अच्छी फिल्म। इसको मैं 7वें नंबर पे रखता हूँ, ऑल टाइम फेवरेट 7th फिल्म मेरा नाम जोकर। गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज का नहीं जान पाएगा रोता हुआ। दोस्तों, 6 नंबर पे यानी 6th पोजीशन पे मैं रखता हूं फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो एक्टिंग के मामले में एक शानदार फिल्म थी। दिलीप कुमार की शानदार एक्टिंग, अमिताभ बच्चन और उसके सामने अशोक कुमार, रमेश शेट्टी की 1982 की फिल्म शक्ति, एक बेमिसाल फिल्म। चारों तरफ लोग तो यही कहेंगे ना कि डीसीपी साहब का लड़का एक स्मगलर के यहाँ नौकरी करता है, और वो बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। और लोग कहें या ना कहें, जो बात गलत है वो गलत है। तो सारी जिंदगी बेरोजगार रहूं मैं। क्यों, क्या तुम इतने गए गुजरे हो? इस फिल्म को दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर और शक्ति को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया था। बेहतरीन फिल्म है, मस्ट वॉच फिल्म है। इसको मैं 6 नंबर पे रखता हूँ, शक्ति। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। दोस्तों, 5th पोजीशन 5वें नंबर पे वो फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन एज ए एंग्री यंग मैन
टॉप पे थे, एक शानदार फिल्म। भाई मेरे पास माँ है, ऐसे डायलॉग वाली फिल्म दीवार। जी हाँ, एक और शानदार फिल्म दीवार। तुम्हारे मेरे बीच एक दीवार है भाई, और जब तक ये दीवार है हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं ये घर छोड़े जा रहा हूं अभी इसी वक्त। सलीम जावेद और अमिताभ बच्चन की जबरदस्त एंट्री के साथ इस फिल्म को बहुत अवार्ड मिले। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शशि कपूर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग्स। वाकई में एक शानदार फिल्म थी दीवार, जिसे मैं फिफ्थ पोजीशन देता हूं। पांचवें नंबर पर उस 30 सालों की टॉप 5 फिल्म में आती है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। फोर्थ पोजीशन के लिए भी बड़ी टक्कर रही। इसमें मुझे वो फिल्म याद आई जिसमें हर एक्टर, चाहे वो एक लाइन हो, टॉप पे था, यादगार बनकर रह गया, अमर हो गया। कितने आदमी थे, जहां गब्बर सिंह, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, इवन जगदीप, मैकमोहन। शोले की बात कर रहा हूं मैं। शोले शानदार फिल्म, एक एक डायलॉग आज तक लोगों को याद है। ये फिल्म को मैं फोर्थ पोजीशन देता हूं। चौथे नंबर की फिल्म है शोले। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। रमेश सिप्पी ने इसमें क्लाइमेक्स चेंज किया, और क्लाइमेक्स चेंज करने के बाद ये फिल्म मार्केट ने एक्सेप्ट कर ली, और ये फिल्म इतनी चली, इतनी धुआंधार चली, इसके डायलॉग्स के कैसे मार्केट में बने, और ये नया कंसेप्ट डायलॉग्स का भी मार्केट में आया। तो चौथे नंबर पर हमारी फिल्म है शोले। अब हम बात करेंगे टॉप 3 फिल्म 1960 से 1989 की। टॉप फिल्म्स में टॉप की 3 फिल्में किसे मिली? तीसरे नंबर पे मैं दूंगा ऑल टाइम फेवरेट कॉमेडी, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन की फिल्म, ओम प्रकाश की फिल्म। जी हाँ, चुपके चुपके। सारे गामा 1 2 3 4 सारे गामा मा सारे गागा सारे मामा गारे सा। 1975 में रिलीज गुलजार की लिखी ये फिल्म उस समय शूट हुई थी जब जया भादुरी प्रेग्नेंट थी। एनएन सिप्पी की फिल्म थी, एक शानदार फिल्म थी। चुपके चुपके, हंस हंस के लोटपोट करने वाली एक शानदार क्लीन कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके। लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना। हाँ। और परिमल शादीशुदा है वसुधा के लिए, हूं ना? हूं ना नहीं, है ना? हाँ, है ना? हाँ। इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार के दिल की बात कहना चाहता हूं तो वो समझती है कि परिमल जो कंबख्त शादीशुदा है। कंबख्त क्या? परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं टॉप 2 फिल्म्स की। दूसरे नंबर पे मैं दे रहा हूं एक ऐसी शानदार फिल्म, एक ऐसी अच्छी फिल्म, अगेन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म, क्लीन फिल्म, साफ सुथरी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म, राजेश खन्ना की एवरग्रीन। राजेश खन्ना की शानदार एक्टिंग, अमिताभ बच्चन की एंट्री, अमिताभ बच्चन की इंट्रोडक्शन, और क्या शानदार डायलॉग। फिल्म आनंद। लड़कियां कॉलेज में आपको बाबूशाय बुलाया करती थी ना? द्विवेदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। सुना है बहुत लड़कियां मरा करती थी आप पर, अब क्या हाल है? लेकिन आनंद, तुम तो कल आने वाले थे। अरे अपना तो हर काम ऐसे ही होता है दोस्त, जब मैं पैदा। बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट स्क्रिप्ट, और न जाने कितने अवार्ड्स के साथ IMDB की बेस्ट रेटिंग आनंद। एक शानदार फिल्म आनंद को हम दूसरे नंबर पर रखते हैं।
तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों। और मैं बात करता हूं इन 30 सालों की बेस्ट फिल्म को, जो मेरी नजर में वो बेस्ट फिल्म थी, समय से बहुत आगे थी, बहुत शानदार फिल्म थी। जी हाँ, देवानंद की फिल्म दी गाइड। तो देखना यह है कि वो अपने मजबूर बंदों की सुनता है या नहीं। मेरे बच्चे, दुख से घबरा मत, दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। मैं तुझसे विजय आनंद की निर्देशन में बनी ये फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्टोरी, ना जाने कितने अवार्ड्स, कैंस में इसको सम्मानित किया गया। ऐसी शानदार फिल्म गाइड, जो समय से बहुत आगे थी लेकिन बहुत शानदार फिल्म थी, वो थी उस दौर की, मैं इसे बेस्ट फिल्म मानता हूँ, द गाइड। दोस्तों, ये तो थी मेरी रेटिंग, आप अपनी रेटिंग के हिसाब से किसे बेस्ट फिल्म मानते हैं और इनमें से कौन सी फिल्म आप समझते हैं कि साथ में नहीं आनी चाहिए और कौन सी आपकी नजरों में आनी चाहिए, मुझे लिख के जरूर भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में यानी सेकंड पार्ट में मैं आपको मिलूंगा और दिखाऊंगा और बात करेंगे उन टॉप 7 फिल्म की, बेहतरीन 7 फिल्मों की जो 1990 से लेकर 2019 तक की थी। आप मुझे लिख के भेजिए कि उनमें कौन सी फिल्म आनी चाहिए और कौन सी नहीं। टेक केयर, थैंक यू।